प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सब साहुणम, एसो पंचनमुक्कारो सप पाव पणासनो मंगलानंद सभ्य सिम परम भवई मंगलम। हमारे जीवन में यदि हमें अनंत काल के बाद जो मिला हुआ मनुष्य जन्म है उसे पार करना है, ये मनुष्य जन्म को सफल यदि बनाना है तो एक सूत्र बराबर हृदयस्थ करना चाहिए कि जारे जे थाए थे सारा माटे, हम एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि एक सूत्र बराबर हम कंठस्थ कर लेवे, हृदयस्थ कर लेवे, हृदय में विराजमान कर देवे, उसको वर्च्यूज के रूप में ले लेवे, जब भी कुछ भी होता है तुरंत ये बात को याद करो, जे थाए थे सारा माटे। तो देखो इतना हम बड़े कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और इतने कर्म का क्षय होगा कि बात मत पूछो। एवरी टाइम यू टू थिंक लाइक दिस। एक राजा का मंत्री था तो वो बार बार जब भी उनको बोले तो यही बोलता था, जे थाए थे सारा माटे बस। तो एक बार राजा का ये अंगूठा है कट गया कुछ कारण से, तो उसके मुंह से निकल गए, जे थाए थे सारा माटे, जो होता है अच्छे के लिए। बोले क्या अच्छे के लिए, मेरा तो अंगूठा कट गया। वो बोले वो मुझे मालूम नहीं, मेरे गुरु भगवान ने सिखाया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 35 साल से तीनों टाइम दोनों साथ में खाना खाते थे, इतने बड़े अच्छे मित्र थे। पण राजा वाजा ने एटले एने कीधुँ कि जो हवे तू फरी वार बोलीस तो तारो तने हूँ जेल में पूरी देश। अभी आप फिर से बोलेंगे कि सर जेल में पूरेंगे वो भी अच्छे के लिए, रियल में जेल में जब रखा तो बोला जो चेता है ते सारा माने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को इतना गुस्सा आया और बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं मेरा अंगूठा कट गया, जेल में डालता हूँ तो भी बोलता है जेल जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा शिकार करने के लिए एक बार चले, 10 बज का तो मुकुट पहना था और उनका घोड़ा भी तेजीला था, एकदम सैनिकों से आगे निकल गया। वो जंगल में वो जो चोरों का सरदार है 70-80 साल का, वो यज्ञ करा रहा था तो उनके घर में बैठा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वो पंडित को बुलाया, बोले एक 32 तक्षणा पुरुष का ये अग्नि के अंदर भोग दे दो, उनको इसमें लगा दो तो आपके घर में बच्चा हो सकता है। और ये तो राजा को पकड़ के ले गए। पंडित ने एकदम खुश हो गए, राजा जी को बोला जरूर आपके घर में बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन वो उत्तर साधक था जो बाजू में यज्ञ के कुंड के बाजू में बैठता, तो बहुत होशियार था। वो बोले पहले मेरे को उनका शरीर देखने दो। शरीर देखा तो अंगूठा कटा हुआ, तो बोले ये नहीं चलेगा। बोले अखंड पुरुष चाहिए इसमें, ये तो खंडित है। तभी राजा को याद आया कि मेरा मंत्री बोल रहा था मेरा मित्र के भाई जो होता है अच्छे के लिए, अच्छा है कि मेरा अंगूठा नहीं है, नहीं तो मैं आज। फिर बोला आज मुकुट का चोरी भी नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाओ क्योंकि आज हमारा यज्ञ का दिन है। मुकुट भी बच गया और राजा मारते घोड़े पीछे आ रहे, सब सैनिक भी आ गए। सब बोला क्या हुआ क्या हुआ, राजा कुछ जवाब नहीं देते। लेकिन जाके जेल के पास घोड़ा खड़ा रहता है, एक बड़ा पत्थर लिया, चाबी वाबी नहीं, राजा तो चाबी नहीं मंगाया, राजा बलवान रहते ना, सीधा पत्थर से तोड़ दिया। और उनके एना मित्र ने भेटी पड़ा मंत्री स्वर ने कि तारा गुरु क्या है, मारे एमने 50% कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपवा छे। वो बोले क्यों 50% कॉन्ग्रेचुलेशन्स, बोले मेरे लिए तो बात सही पड़ी कि मैं जो होता है अच्छे लेके, मेरा अंगूठा नहीं था मेरा जी, मैं आज मुझे जीवतदान मिल गया। लेकिन आपके लिए जो हुआ वो तो गलत हुआ ना, आप बोले जेल में डाला आपको 3 महीना अंदर रहना पड़ा, वो तो गलत। बोला साहब वो भी अच्छे के लिए हुआ। बोले क्यों, बोले अच्छा हुआ कि मैं जेल में था, यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ में ही होता था और आपको अंगूठा नहीं था, मुझे तो था तो मेरा भोग उसमें उन्होंने ले लिया होता था। इसके लिए एक बात को हमेशा याद रखना है कि जे थाए थे सारा माटे, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। यदि एक सूत्र भैया अपना लेंगे तो जे कहन छे ई शिवना वहन बनी सके। धन्यवाद, प्रणाम। जिनाग्ना विरुद्ध कई पर रूप ना थी हो तो अंतकरण पूर्वक नाम इच्छा।